हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मंडे को ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या हो सकता है, लोअर सर्किट लगेगा, अपर सर्किट लगेगा या नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज हमने देखा फ्राइडे को लोअर सर्किट लगा और काफ़ी लोग सब लोग निराश हैं। सबको लग रहा था कि और ऊपर जाना चाहिए था, इतनी जल्दी कैसे गिर गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि हम हर एक इंसान को ऐसे ही लगता है कि मैंने जो शेयर बाय किया है वो लगातार ऊपर ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आपने पॉजिटिव फैक्टर ये सोचना चाहिए कि जो अराउंड 12 रुपीज़ से बाउंस बैक किया था वो शेयर गया इतना ऊपर तक, 21 रुपीज़ तक गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद के इतना ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मार्केट भी इतना गिर रहा था, फिर भी शेयर नहीं गिरा, पहली बात। दूसरी बात, सेबी की इंक्वायरी, बाकी चीज़ें जो चल रही है स्टॉक के अराउंड, तो वो हिसाब से देखा जाए तो जब 12 रुपीज़ से भी घूमा तो लोग तो एंटिसिपेट कर रहे थे 9 रुपीज़ जाएगा, 5 रुपीज़ जाएगा, पर 12 रुपीज़ से भी घुमा ना, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी शेयर लगातार ना ही गिरता है ना ही लगातार ऊपर जाता है, कभी ना कभी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी लोग इन्वेस्टर नहीं होते हैं। हमने हाई रेट में बाय किया हुआ है इसलिए हमने ये सोचना कि हमारे रेट तक ही शेयर ने आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ टेक्निकल बातें होती है, कुछ RSI का रेजिस्टेंस होता है, कुछ ट्रेंडलाइन का रेजिस्टेंस होता है, कोई जो भी हो, ऐसे 3-4 टेक्निकल चीज़ों के कारण भी कभी कभी वहाँ से करेक्शन आता है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि सभी लोग इन्वेस्टर नहीं होते हैं, काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको हम कभी कभी ऑपरेटर भी कहते हैं, कि जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल से बाय करते हैं और जब उनका कोटा पूरा हो जाता है या उनका प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो जाता है वो बेचकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि कभी ना कभी शेयर तो गिरेगा, उसके पहले हम ही बेचकर प्रॉफिट बुक कर ले। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो फिर से वो वेट करते हैं राइट टाइम का, और राइट टाइम पे जब उनको लगता है कि यहाँ से रिवर्स शेयर ने लेना चाहिए तब वो लोग फिर से उस पर एंट्री करते हैं और फिर से उसमें बाइंग शुरू कर देते हैं। ये तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर कोई स्टॉक में कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो उसके बाद भी शेयर अचानक बीच में से घूम जाता है, भले ही कितना भी ख़राब हो। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा था कि फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी कंपनी की ओर से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, तो इस न्यूज़ के कारण तो अपर सर्किट लगना चाहिए था, फिर लोअर सर्किट क्यों लगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, ये न्यूज़ आई ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही आई, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूज़ अच्छी नहीं थी इसलिए शेयर गिर गया, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ऐसा भी नहीं है। वो एक कंपनी का एक जो एक फॉर्मेलिटी होती है या एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना होता है वो अपॉइंट हुआ, तो उसके कारण शेयर घूम जाना चाहिए ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका था पहले ही। अब शेयर भागना मतलब आप रेट के हिसाब से मत देखिए, आप ये देखिए कि वो जहाँ से रिवर्स लिया वहाँ से 45-50% तक उसने अपनी तेज़ी दिखाई। तो 45-50% भागना ये बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट में, और वो भी ऐसे सिचुएशन में कि जो मार्केट में फिर से मंदी का माहौल जो है बना हुआ है। तो वो हिसाब से आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें ये न्यूज़ आई तो शेयर और ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों चला गया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने वाले न्यूज़ को कभी कभी देखते नहीं है कि भाई अपना प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो गया, अपन इसमें बेच के निकल जाओ। तो अब सवाल ये आता है कि कितना नीचे जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मंडे को तो ऐसा लग रहा है कि फिर से एक लोअर सर्किट लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि लगना ही चाहिए, बट देखिए जब शेयर इतना भागता है तो थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन होता है। करेक्शन क्यों होता है? क्योंकि RSI भी करेक्ट होना ज़रूरी होता है। 55 तक RSI गया था, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था RSI का, टेक्निकल रेजिस्टेंस, तो वहाँ से वो उसको पार नहीं कर पाया, अभी 51 पर है। अब जनरली पास्ट में ऐसा देखा गया है कि 40 के RSI से भी बाउंस बैक लेता है, तो 40 का RSI मतलब करीब करीब 16-17 रुपीज़ के आसपास एक उसका एक सपोर्ट है RSI का, वहाँ से भी बाउंस ले सकता है। या फिर 20 DMA का सपोर्ट देखिए हम लोग, तो वो भी 17 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो मंडे को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर भी 23 लाख शेयर्स की लगी हुई है, जबकि ब्राइटकॉम ग्रुप के वॉल्यूम के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग ऑर्डर नहीं है। बट अगर मार्केट में भी थोड़ा निगेटिविटी रही मंडे को और ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं आई कंपनी की ओर से अलग से कुछ, आज तो अभी तक तो कुछ आई नहीं है,
और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी नहीं आई, तो कल तो हमें ऐसा लग रहा है मंडे को कि एक बार लोअर सेकेंड लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, शेयर गिरा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर गिरते ही जाएगा, करेक्ट भी होगा, फिर से करेक्शन होता है और करेक्शन होने के बाद फिर से इसमें बाउंस बैक भी लेगा। बट दिक्कत क्या हो जाती है, जैसे शेयर ऊपर जाने लग जाता है अलग अलग लोग कहने लग जाते हैं कि स्ट्रांग हाथ से वीक हाथ में जा रहा है, सॉरी वीक हाथों से स्ट्रांग हाथ में जा रहा है, कोई आपसे माल छीन रहा है, कोई बड़ा प्लेयर इसमें बाय कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है और आपके हाथ से माल छीन गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी आपको मौका है इसको बाय करने का। अभी जब लोअर सर्किट मार रहा है तो जिन लोगों को लग रहा था कि अपने हाथ से माल छीन गया है वो फिर से इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट। काफ़ी लोग जो ज़्यादा रेट में फंसे हुए हैं उन लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, वो यही आशा में बैठे रहे कि नहीं मैं लॉस बुक नहीं करूँगा, अभी रिकवर होगा अभी रिकवर होगा। तो एक कभी भी एक स्टॉप लॉस लगाना या एक लक्ष्मण रेखा बांध लेना चाहिए कि 5% 10% इसके नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15%। उसके नीचे भी अगर शेयर जाता है और मावत तो अपन ने एक बार स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, जब शेयर में फिर से स्ट्रेंथ होती है फिर से बाय करना चाहिए। बट राइट टाइम पे एग्जिट नहीं होती है और लॉस बढ़ते जाता है, फिर लॉस इतना बढ़ जाता है कि लॉस बुक करने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो हमें इन बातों से सीखना होता है मार्केट में, बाकी निराश होना रहता है। तो अब जो हो गया वो हो गया, अभी पर आप सोचेंगे कि तुरंत आपके रेट तक ही शेयर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, मार्केट की कंडीशन, शेयर में क्या न्यूज़ है उसके ऊपर होता है, ये काफ़ी बातों से शेयर चलता है, ना कि आपके या मेरे मर्जी से। बट इसमें इसका मतलब ये नहीं कि लोअर सर्किट लग गया तो शेयर ख़राब हो गया, थोड़ा करेक्शन होगा। सेलिंग प्रेशर जब भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर से ऑपरेटर लोग इसमें घुसेंगे, फिर से इसको घुमाएंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे, तो ये सिलसिला चलते रहेगा। और कंपनी की ओर से, सेबी की ओर से कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है उसके ऊपर भी मूवमेंट डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि मंडे को तो इसमें लोअर सर्किट लगेगा, वो इसलिए नहीं कि शेयर में कोई अचानक कोई ख़राबी आ गई है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा सा RSI करेक्ट होगा, ये सब बातें क्लियर हो जाएगी, सपोर्ट पर आएगा, फिर से बाउंस देगा, फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, मार्केट में ये सब बातें चलती रहती है। आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, कोई भी शेयर कितना भी भागा तो फिर से करेक्शन होता है। जैसे कि हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है, ऑरिटा ग्रीनटेक है, RVNL है, जेड टेक्नोलॉजीज़ है, इरकॉन है, IRFC है। तो जब कोई भी शेयर भागता है तो करेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रैडको ग्रुप में ही करेक्शन होता है। बट जो हम चाहते हैं कि तुरंत 50-60 रुपए के लेवल पे चल जाए, ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ प्रोसेस, बट वहाँ तक भी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, जैसे ऐसी बातें क्लियर होगी जाएगा। बट अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करेक्शन होगा तो आपको वेट करना है, और जैसे ही रिवर्स मारने की आपको स्थिति लगेगी, और जितना सेलिंग प्रेशर कम रहेगा उतना जल्दी रिवर्स मारेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि हमने बाय नहीं किया, हमसे छूट गया था ब्रैडको ग्रुप का शेयर, अब करेक्शन में मिलेगा, तो जिन लोगों को ऐसा जो फीलिंग थी वो लोग अभी बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और जिनको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कंपनी के बारे में, होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का है तो आपने देखने की ज़रूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो बाय करते हैं उन्होंने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, तो आपको कभी लॉस होगा नहीं स्टॉक मार्केट में। सो आई होप लेट्स होप कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द शेयर घूम जाए और शेयर ऊपर जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।